ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मैं देखता हूँ, मैं कुछ दिन पहले एक हफ्ते की बात ही सुनाता हूँ। मैं 20 तारीख तो रायपुर में थे, रायपुर में बहुत बड़ा सभा था हमारा, कुछ कार्य उधर रायपुर की इंडोर जोन की गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन था। गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में करीब 34 कन्यों का समर्पण समारोह था, उनकी माता पिता उनके सभी थे। बहुत बड़ा इंडोर स्टेडियम में थे, करीब 20,000 की संख्या में थे और सभा भी थे उसमें। साथ साथ में चीफ मिनिस्टर और वहाँ की गवर्नर भी थे, कुछ संत लोग भी आए थे, संत भी लोग थे, चीफ मिनिस्टर भी थे, गवर्नर भी, दोनों सत्ता के विशिष्ट अधिकारी लोग भी थे। मैंने सुनने में आया, एक महात्मा जी आए थे, महात्मा संत थे, उन्होंने एक बात बताया। हमने सारी दुनिया में देखा है, सारे संगठन को देखा, सारे संसार के नेताओं को देखा, परंतु दादी जानकी दादी जो काम किया है, जो कर्म किया है, जो सेवा किया है, उनको भारत रत्न के अवार्ड मिलना चाहिए, ऐसे उन्होंने उद्घोषण किया। उनका रीजन बताया, रीजन क्यों भारत रत्न, हमारा देश में बहुत लोगों को भारत रत्न मिला, APJ अब्दुल कलाम को भारत रत्न, राजीव गांधी को मिला, और भी बहुत लोगों को मिला, दादी जी को क्यों मिलना चाहिए। उन्होंने सत्य को प्रकाशित किया, सत्य को उद्घोषित, सत्य को समाज में फैलाया, उसके कारण शांति है। आज ब्रह्म कुमारी इसमें शांति का, शांति ओम शांति कहते हैं, क्यों ओम शांति कहते हैं, सत्यता का ज्ञान है और उसी कारण है। मुझे एक बात याद है, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री जी थे 2002, उस समय में के प्रधानमंत्री थे, और यूनाइटेड नेशंस वालों ने कल्चर ऑफ पीस मैनिफेस्टो घोषित किया था, सारी विश्व में कल्चर ऑफ पीस मैनिफेस्टो को सिग्नेचर कर, हमारा ईश्वरी विश्वविद्यालय भारत में सबसे ज़्यादा सिग्नेचर कलेक्ट कराया था। उस समय पर तत्कालीन प्रधानमंत्री दादी जी को बुला करके दिल्ली में बहुत सम्मानित किया, और हमारा मुरली मनोहर जोशी भी ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर भी थे, और उस समय में उन्होंने कहा, मैं बहुत बचपन से RSS से जुड़ा हुआ हूँ, RSS से संस्कारित हुआ हूँ, परंतु मैं 25 साल से ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय को जानता हूँ, बहने आते, परंतु 25 साल के अंतराल में मैंने देखा ये हमारे भारतीय संस्कृति को, परंपरा को, इतिहास को, सभ्यता को इन्होंने सारे विश्व में फैलाया। जो RSS नहीं कर सका वो काम इन्होंने किया, जो भारत सरकार करना था वो काम ये कर रहा है। ये बात केवल एक व्यक्ति ने, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे, उनको भी भारत रत्न अवार्ड मिला, उन्होंने फैलाया तो उस समय में कहा था। एक बार दूसरी भी घटना मुझे याद आ रहे हैं, 1993 यूनिवर्सल पीस कॉन्फ्रेंस माउंट आबू में आयोजन किया गया था, उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव माउंट आबू आए थे उसके उद्घाटन के लिए। उन्होंने भी यही बात कहा, मैं प्रकाशमणि दादी को प्रणाम करता हूँ। क्यों प्रणाम करता हूँ, वो केवल प्रकाशमणि एक नाम नहीं है, एक काम का मणि है, प्रकाश फैलाने का काम जिन्होंने किया, इसी कारण के प्रकाशमणि को मैं नमन कर दूँ। और उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई, आगे बढ़ करके उन्होंने एक बहुत और भी बातें बताएं। आजकल मुझे सलाम करते हैं, प्राइम मिनिस्टर हूँ मैं, पोस्ट में हूँ, सलाम कर, मैं प्राइम मिनिस्टर पोस्ट से उतरने के बाद में मुझे सलाम भी नहीं करते। उन्होंने ऐसी एक भावनात्मक दृष्टि से उन्होंने कहा, मैंने कि प्रकाश का मणि का अर्थ भी उन्होंने अर्थ सहित दादी जी को उन्होंने सच्ची ये परमानेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पीस उन्होंने कहा, शांति का स्थापन करने का कार्य जो है ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जो सरकार करना चाहिए सरकार नहीं कर पूरा कर नहीं पा रहे, परंतु हमारा करने का विधि अलग है, इनकी करने का विधि है। दूसरी बात एक बात होगा, जब पंजाब में बहुत समय तक करीब 10-15 साल तक आंदोलन चलते रहे, उस टाइम एक DGP थे
गिल सब डीजीपी थे, उन्होंने माउंट अबू में आए, दादी से मिले, संस्था को देखा, एक्टिविटीज़ को देखा, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बनाई, आपको शांति स्थापन कैसे करते हैं, यहाँ से शांति स्थापन करते हैं, आत्मज्ञान दे करके शांति स्थापन करते हैं। हम शांति क्या स्थापन करते हैं, सिर पर लाठी मार करके बंदूक से शांति स्थापन करते हैं, परंतु बंदूक से शांति सदा के लिए नहीं हो सकता है, परंतु आत्मा से रियलाइजेशन करके जो शांति स्थापन करने का कार्य है आप लोग करते हैं, इसके लिए आप जो सरकार नहीं कर पाते हैं वो काम आप कर रहे हैं, हम लोग नहीं कर पा रहे, कानून बद नहीं कर रहे इसकी।